तरकासी के रामलीला मैदान में विधायक सुरेश चौहान ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। इस दौरान संकल्प यात्रा कार्यक्रम को विधायक सुरेश चौहान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर गांव हर क्षेत्र जुड़ रहा है और केंद्र सरकार बीते 9 वर्ष देश के अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति के लिए समर्पित रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिले, जिसके लिए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से अब तक लगभग 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही अब हर एक ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के कार्य चल रहे हैं। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इन कार्यों की गुणवत्ता को जरूर देखें ताकि यह योजनाएं अच्छी बने। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। तमाम प्रकार की योजनाएं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, लगातार हमारा विकसित संकल्प यात्रा का लगातार जो है जगह जगह गांव के बीच जो हमारी तमाम योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, तमाम प्रकार की जो आवास योजना, तमाम प्रकार की योजनाएँ जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका आम व्यक्तियों को कैसे लाभ मिले, इसके लिए यहाँ पर शिविर लगा हुआ है। जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनको उज्ज्वला कनेक्शन नहीं मिला उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है शिविरों के माध्यम से।